बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चियों के कपड़ों के डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला ड्रेस है मेरे पास, ये ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट का। ये सब मैंने घर में ही स्टिच किए हैं खुद से डिज़ाइन करके। तो इसके गले पर मैंने ये पट्टी लगाई है और इस पर एंकर थ्रेड के साथ ये सिलाई लगाई है और मोतियों के साथ ये बटन अटैच किए हैं। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। देखने में कुर्ता पट्टी लग रही है, लेकिन इसे मैंने सिंपल पहले एक पट्टी लगाई है और फिर बुकरम वाला गोल गला पलटा के बना लिया है। बैक साइड पे मैंने छोटा सा ये पीछे कट दिया है ताकि गला चढ़ाने उतारने में आसानी रहे, और उसमें बटन लगा लिया है। स्लीव्स पर भी मैंने यही डिज़ाइनिंग की है। बहुत सिंपल, कम डिज़ाइनिंग में मैंने ये कपड़े बनाए हैं, क्योंकि समर्स के हिसाब से है तो इनको मैंने उसी हिसाब से स्टिच किया है। तो स्लीव्स में थोड़ा सा जोड़ आ रहा था, जिसको मैंने ये एंकर के थ्रेड की लाइनें लगाकर उसको छुपा दिया और ये हमारा डिज़ाइन भी बन गया। इसके चाक दामन जो है सिंपल मैंने मोड़ लिए हैं और ये कुर्ता स्टाइल में सिली हुई शर्ट और ट्राउज़र है। बल्कि इसके साथ मैंने ट्राउज़र नहीं, ये खड़ी शलवार अटैच की है बग़ैर कली की, जिसके पैंचों पर भी मैंने इसी से एंकर थ्रेड से दो दो सिलाइयाँ लगाई हैं और बुकरम अटैच की है, ऊपर लास्टिक अटैच किया है। ये 24 साइज़ का सिला हुआ सूट है जो 5 से 6-7 साल की बच्चियों को आराम से आ जाता है। समर्स में इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, या आप आराम से 1.5 गज में 24 साइज़ का ड्रेस बना सकते हैं, या पीसेज में भी आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा भी मेरे पास इसी तरह से फ्लोरल प्रिंट का ये ड्रेस है, जिसके गले पे मैंने घुम करके लेस लगाई है कंट्रास्ट में, और बैक साइड पे इसी तरह छोटा सा कट दे के बटन दिया है। और इसकी स्लीव्स में भी मैंने इस तरह से देखें ये पलटावे पट्टी के साथ इसमें ये लेस अटैच की है। इसके चाक दामन भी सिंपल मैंने फोल्ड किए हैं और ये भी कुर्ता स्टाइल में सिली हुई है। 24 इसकी शर्ट की लेंथ है और 24 ही इसके ट्राउज़र की लेंथ है। इसके कपड़े में हल्की हल्की सी आपको दिख रहा होगा कि सिल्वर कलर की लाइनिंग आ रही है। तो इस तरह के कपड़े बच्चियों में बहुत अच्छे लगते हैं और फ्लोरल प्रिंट्स तो आजकल वैसे भी ट्रेंड में है। इसका ट्राउज़र मैंने स्ट्रेट पैंट की तरह स्टिच किया है, जिसमें फ्रंट और बैक अलग अलग कट होता है और बैक आप थोड़ा बड़ा काटते हैं। इसकी कटिंग भी मेरे चैनल पे मौजूद है। प्रॉपर मैंने ट्राउज़र सिया है, ये भी 1.5 गज कपड़े में आराम से तैयार हो गया था। अब ये वाला जो साइज़ है ये साइज़ 28 है, ये थोड़ी बड़ी बच्ची का है। ये 2 गज कपड़े में बना है और ये मैंने अंगरखा स्टाइल में स्टिच किया है। सिंपल अंगरखा मैंने इसको बनाया है, फ्रंट साइड पे आप जैसे देख सकते हैं मैंने अंगरखा बना के इसमें ये गोटे वाली लेस अटैच की है आड़ी पट्टी के साथ घूम करके। ज़्यादा मैंने इसमें लेसेस नहीं लगाई हैं, सिर्फ एक ये लेस लगाई है हल्की सी। बाकी इस कपड़े पे खुद ही इस तरह का टेक्सचर आ रहा था कि इसमें डिस्को भी लगी हुई थी, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। बाकी आस्तीन की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने जोड़ दिया था, जिसमें मैंने बेल अटैच कर दी। बैक साइड पे मैंने ये वाला गला बनाया, जिसमें आप पूरे कपड़े का पीस लेकर उसे बैक साइड पे पलटाते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका होता है बच्चियों के गले बनाने का। अक्सर बाज़ार के रेडीमेड जो कपड़े होते हैं फ्रॉक्स वगैरह, उसमें इसी तरह से गला बना हुआ होता है। ये 2 गज में मैंने पूरा सूट तैयार किया है, 28 इसका साइज़ है। ये आराम से 7 से 8 साल की बच्चियों को, 9 साल तक की बच्चियों को आ सकता है। इसका भी मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र सिया है, आगे मैंने ये बुकरम अटैच की है, बाकी मैंने इसमें लास्टिक अटैच किया है। ये भी प्रॉपर ट्राउज़र मैंने सिया है, पजामे नहीं सिए। पजामा जो होता है वो आप सीधा सीधा काट के सी लेते हैं, लेकिन ट्राउज़र जो होता है प्रॉपर पैंट वाला, वो मैंने इसमें स्टिच किया है, जिसमें फ्रंट अलग से कटिंग होती है और बैक की अलग से कटिंग होती है। तो इस तरह के ड्रेसेस जब आप घर में सीते हैं तो बहुत बुटीक वाला लुक देते हैं, जबकि आप बाज़ार से लेने जाएं तो ये आपको बहुत महंगे मिलते हैं। ऑनलाइन भी बहुत महंगे सेल होते हैं। घर में आप बहुत कम बजट में इन कपड़ों को तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे आइडियाज़ लगा के और मिनिमल डिज़ाइनिंग करके। ये वाला ड्रेस भी मैंने स्टिच किया है घर में ही, ये 21 साइज़ पे स्टिच हुआ हुआ है। इस पर मैंने देखें इस तरह से लेस लगाई है, लेस ऐसे लग रही है जैसे इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, तो मैंने इस पर ब्लैक कलर की सिर्फ दामन पे और स्लीव्स पे लेस लगाई है और गले पे इस तरह से छोटा सा कट देकर लूप के साथ बटन अटैच किया है। और इसके साथ भी मैंने ये स्ट्रेट ट्राउज़र सिया है सेम कपड़े का। तो इसी तरह के कपड़े समर्स में बच्चियों पे अच्छे लगते हैं और कम्फर्टेबल भी रहते हैं और बार बार धुल के ख़राब भी नहीं होते। तो आप भी इस तरह से गर्मियों के कपड़े अपने घर में पीसेस से सी सकते हैं।
ये भी 21 साइज़ का मैंने स्टिच किया है। इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है। इसकी शर्ट और ट्राउज़र मैंने कंप्लीट इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसका ट्राउज़र भी मैंने प्रॉपर सिया है जो कि पहन के बहुत खूबसूरत लगता है। और ये इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट के गले में मैंने देखें घूम करके ये लेस लगाई है, फ्रंट में भी और बैक में भी, और साइडों में मैंने आड़ी जो हमारी और ये पट्टी होती है उसके साथ मैंने इसकी स्लीवलेस बाजुओं पर लेस लगाई है। ये भी कुर्ता स्टाइल में सिली हुई है 21 साइज़ में, जो कि 2 से 3 साल की बच्चियों का साइज़ होता है। बैक साइड पर मैंने इस तरह से इसके ये कट दिया है स्टाइलिश गले में। एक ये है, ये भी मैंने 21 साइज़ पे स्टिच किया है। ये भी सेम ट्राउज़र और शर्ट है, डार्क ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत कलर का ये कपड़ा था। इस पर छोटी छोटी कढ़ाई वाली बूटी बनी हुई थी। इसके ट्राउज़र के पाइचों पर भी मैंने लेस अटैच की है, बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी ये लेस है जो कि मैंने इसकी कढ़ाई वाले फूलों से मैच करते हुए इसमें ली थी। तो इसका भी मैंने प्रॉपर ट्राउज़र सिया है और गले पर देखें आप इस तरह से मैंने घूम करके लेस लगाई है, आस्तीनों पर लगाई है। स्लीवलेस मैंने इसको बनाया गर्मियों के हिसाब से। ये भी बहुत जल्दी सिल जाने वाला सिंपल सा डिज़ाइन है, 4 दामन इसके मैंने सिंपल फोल्ड किए हैं और ये पहना हुआ इतना खूबसूरत लगता है कि कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये घर में सिले हुए कपड़े। बिल्कुल ब्रांड के स्टाइल में स्टिच किया है मैंने, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो आपको 3-4 हज़ार का बच्चों का सूट देते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये स्टिच किया है।